एक्साइटेड नहीं, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई कि एक म्यूजिक वीडियो जो एक पिक्चर के साथ शूट किया जाएगा, तो मैंने कहा इसके साथ तो जुड़ना ही पड़ेगा. और हमने वीडियो शूट कर दिया और अभी 3.5 या 4 मिलियन हिट्स मिलने वाले हैं. तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग. जैसे पिक्चर आपकी 100 करोड़ टच करती है तो आप सेलिब्रेट करते हैं, वैसे मेरे ख्याल से वीडियो जब 3 मिलियन 4 मिलियन टच करता है तो फिर आप सेलिब्रेट करते हैं. तो हम बहुत जल्द मिलेंगे और सेलिब्रेट करेंगे वीडियो का सक्सेस. मोहित, इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन था कि इतने सारे व्यूज मिलेंगे जब आपने शुरुआत की? नहीं, हम तो एक अच्छा प्रोडक्ट बना के उसको बाहर यूट्यूब पे और टीवी चैनल्स पे और सब पे डालने था. हमारा काम तो था कि उसको बाहर मार्केट में छोड़ना. उसके बाद व्यूअर्स ने एक्सेप्ट किया और इतने हिट्स मिले, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन सरपास हो गई. सो वी आर वेरी हैप्पी. जो सिंगर हैं उसमें वो बहुत टैलेंटेड हैं, अनमोल मलिक, जो अनु मलिक जी की बेटी हैं, उनने गाना गाया है और मोहित सूरी ने वीडियो डायरेक्ट किया है और उसमें मैंने एक्ट किया है. तो आई थिंक द टीम वॉज, इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन. इसमें बहुत यूथ एनर्जी थी जो यू नो, जो हम लोगों ने जिस पे कैपिटलाइज करके एक फ्रेश प्रोडक्ट बनाया. मोहित सूरी के काम करना काफी बड़ी बात होती है, तो आप कैसे जुड़े इस वीडियो के साथ? हमने सुना है कि आपने ऑडिशन भी दिया था उनकी एक फिल्म के. मैंने आशिकी का ऑडिशन दिया था, पर उसके बाद फिर हम टच में थे, बट वी वर वेटिंग टू वर्क ऑन समथिंग, कुछ आएगा तो साथ में काम करेंगे. एंड देन लकीली ये वीडियो आया और उनका मुझे फोन आया कि यू नो, मेरे पास कुछ है, साथ में करते हैं. मैंने बोला चलो करते हैं. ऑडियंस ने तो अपना रिस्पांस दे दिया है आपको यूट्यूब पर इतने सारे व्यूज देकर, लेकिन इंडस्ट्री से भी काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं. वरुण धवन ने आपको कॉल किया था. और मैं इनफैक्ट सारे मेरे जितने दोस्त हैं, अर्जुन और वरुण और जिनको मैं नहीं भी जानता, इनफैक्ट दोस्त तो अक्सर आपकी तारीफ करते ही हैं, पर जो लोग जिनको मैं नहीं जानता उनने भी यू नो, ट्विटर पे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजे हैं. तो इट जस्ट फील्स गुड यार, इट इज, इट्स एक अच्छी फीलिंग है और मजा आ रहा है. और क्या, सचिन ने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया. हाँ, उनने भी ट्वीट किया था. एंड इट्स, तो हम तो बहुत एक्साइटेड थे. मैं तो अपनी कुर्सी से खुद पड़ा जब मैंने देखा कि मिस्टर सचिन तेंदुलकर जी ने भी ट्वीट किया था वीडियो के बारे में. एंड बिकॉज आई थिंक गाना भी बहुत अच्छा है एंड अनमोल ने बहुत अच्छा गाना गाया, तो आई थिंक वीडियो इज बहुत अच्छा निकल गया, इसका गाना बहुत चल गया. तो यू नो, लोगों को स्टोरी जो है वो उसमें वो पसंद आ रही है. तो आई थिंक इट्स द कॉम्बिनेशन इज वर्क वेरी वेल. सो जो एल्बम का नाम है लम्हे, ऐसा कोई लम्हा आपकी लाइफ में आया है जो आप कभी भूलना नहीं चाहते और हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे अगर? लम्हे मेरे तो बहुत सारे ऐसे लम्हे हैं जो मेरी लाइफ में आए, बट यूजली क्या होता है कि जो बहुत मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब आपको मेरे ख्याल से जब एक फेज था कि मैं न्यूयॉर्क में स्कूल में पढ़ता था, तब क्लास के अंदर मैंने एक बहुत अच्छा सीन किया था और मुझे बहुत तालियां मिली थी. वो पहला टाइम था जब मुझे मेरी एक्टिंग के लिए अप्रिसिएशन मिली थी. तो वो एक लम्हा है जो मुझे अभी याद आता है. बट आई थिंक लाइफ के साथ अब जितना आगे बढ़ते रहते हैं उतने लम्हे आपके साथ जुड़ते रहते हैं, और ये म्यूजिक वीडियो करना भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा लम्हे था. दो तीन इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, मी एंड माई टीम आर वर्किंग वेरी हार्ड टू फाइंड द राइट फिल्म एंड जंप इनटू दैट. तो बहुत जल्द आपको कुछ सुनने को मिलेगा. ऐसा कोई ड्रीम रोल है आपका जो आप करना चाहेंगे फ्यूचर में? आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू डू अ पीरियड फिल्म के जो 60s में या 50s में सेट हो, उस टाइप की पिक्चर करने में मुझे बहुत मजा आएगा. अगली की बात, तो ये जुड़ने के लिए बहुत अच्छा रास्ता था फिर भी? बिल्कुल, एल्बम से मानते हैं 100%. जैसे मैंने आपको कहा कि एक तरफ मैं और मेरी टीम बहुत मेहनत कर रहे हैं एक अच्छा प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने के लिए, उसके बीच में अगर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें आप मोहित सूरी के साथ जुड़ सकें और यू नो, अपना टैलेंट शोकेस करें. और म्यूजिक वीडियो के साथ बेस्ट पार्ट ये है कि आप लोगों के घर में उनके मोबाइल में फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँच रहे हैं. लोगों को वो 200 रुपये की टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है. तो एज एन एक्टर आपका काम है एंटरटेन करना, तो अगर आप किसी को मुफ्त में उनको एंटरटेन कर सकते हो देन व्हाई नॉट. म्यूजिक इज अ वेरी बिग थिंग कि आप यू नो, कई बार जब आप सेट पे होते हैं और ऐसा कोई सीन आपको करना होता है जो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं या वो इमोशन आपको नहीं आ रहा होता, तो म्यूजिक ऐसी चीज़ है कि आप अपना आईपॉड लगाओ और यू नो, उस जोन का आप एक गाना सुनो तो सडनली आपका माइंड जो है वो चले जाता है कि आपको एक सैड सीन फॉर एग्जाम्पल परफॉर्म करना है. तो यू नो, मैं कोने में जाऊँगा, अपने आईपॉड पे एक सैड इमोशनल गाना लगाऊंगा एंड It'll just put me in that mood. So. वीडियो में कोई ऐसा कोई खास लम्हा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यादगार हो? बहुत खास लम्हा, हाँ मतलब सेट के जब हम 2 दिन शूटिंग के हो गए थे, एंड में हम रात हो चुकी थी बहुत, यू नो, हमारे कुछ शॉट्स बाकी थे
और तब यू नो मैं और अनमोल दोनों ने ये सुना था कि मोहित सूरी जब अपना हुड सर पे पहन लेते हैं इसका मतलब है कि सब अलर्ट पे हो जाओ, कि अब क्या है कि वो तब आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते और तब आप को बस काम टाइम पे डिलीवर करना होता है। तो हम 2 दिन तक वो वेट कर रहे थे कि वो अभी तक हुड नहीं आया, हुड नहीं आया इसका मतलब अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बट लास्ट डे शूट खत्म होने के पहले कुछ 2 शॉट पहले उनका हुड जो है वो ऊपर आ गया, तो तब हम थोड़ा डर गए थे। उन्होंने कहा आप जल्दी जल्दी काम खत्म कर दो अपना और यू नो लेट्स लेट्स क्रिएट अ यू नो गुड एंड टू द प्रोडक्ट। मोहित आपने सुना कि आप सिंगर भी बहुत अच्छे हो, मैं बिल्कुल भी अच्छा सिंगर नहीं हूँ। मैं गाना तो मुझे गाना आता ही नहीं, पर आप इसके बिल्कुल बाद इस लिंक जरूर लम्हे की अटैच करना जिसमें सब पूरा गाना लम्हे का सुन सके, जो यूट्यूब की जो लिंक है वो लगा देना ताकि लम्हे सब सुनें। संग बाय अनमोल मलिक एंड डायरेक्टेड बाय मोहित सूरी एंड एक्टेड बाय मी। मोहित, बॉलीवुड में जो है एक बायोपिक का ट्रेंड चल पड़ा है, तो ऐसा कोई पर्सनैलिटी है जिस पे आप बायोपिक करना चाहो, कोई ऐसी पर्सनैलिटी ध्यान में हो आपके? मैं एज ऑफ नाउ तो कोई पर्सनैलिटी नहीं है बायोपिक, जैसे मैंने आपको कहा कि पीरियड फिल्मिंग ऐसी चीज़ है जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो यू नो विच इज़ समथिंग विच एक्साइट्स मी। तो अभी फिलहाल मैं अपनी एनर्जी सारी उस तरफ डाल रहा हूँ। या अनिल कपूर साहब की जिंदगी बहुत इंटरेस्टिंग रही है शुरू से लेकर उनके यू नो स्टारडम तक। बिल्कुल। वुड यू बी इंटरेस्टेड डूइंग हिज बायोपिक, यू नो, बिकॉज़ हो दैट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी के अगर ऐसा मुझे चांस मिला तो इट्स गोना बी अ गोल्डन प्रोजेक्ट फॉर मी। और अगर चांस मिला देन व्हाई नॉट। What do you think is the best part of his life? You know, what do you think? You know, as an actor, as an individual. I think his best part of his life is now that even at this age he's a flux. You know, shuffling between Hollywood and Bollywood and trying to get the two industries together. And I think उनकी life की excitement जो है वो तो अभी शुरू हुई है. There's a long way to go. He's in fact I feel he's like a youngster like us and he has a long journey ahead. मतलब आप हमेशा रेडी हैं अगर बायोपिक का ऑफर आपको आता है अनिल जी के ऊपर? 100% रिसर्च करनी पड़ेगी थोड़ी और, पर या व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।